तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज आए हैं हम स्विफ्ट को लेके, क्या करने आएंगे भाई? दो गाड़ी खड़ी है तो क्या करेंगे भाई? रेस करेंगे ऑब्वियसली। तो भाई आज है रेस स्विफ्ट और अल्टो K10। तो भाई ये नया वाला मॉडल है, जिस भाई को नहीं पता बता दूँ, 2023 में लॉन्च हुआ है अल्टो K10। पिछले वाले मॉडल से काफ़ी चेंज कर दिया, लगती नहीं है कि अल्टो है ये। और भाई वही स्विफ्ट अपनी पुरानी 2014 डीजल, और भाई ये अल्टो K10 2024 मॉडल है। लॉन्च 2023 में हो गया था, मुझे इतना आईडिया नहीं, बट हाँ 2023 में हो गया था। तो भाई ये है, रेस स्टार्ट करते हैं भाई। ये वाला हमारा रेस ट्रैक है, बाकी इधर भी है बट इधर गाड़ी आ रही है तो फिर हम इधर कर रहे हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये स्विफ्ट डीजल वीडियो 2014, और भाई इसमें आता है 1250 cc का इंजन। और भाई ये है आपकी अल्टो K10 2024, जिसमें आता है आपका 1000 cc का इंजन। भाई ये निकालती है 74 bhp के साथ 190 Nm का टॉर्क, और ये निकालती है भाई आपकी 55 bhp के साथ वो 82 Nm का टॉर्क। तो भाई डिफरेंस काफ़ी है, बट देखते हैं। और भाई ये पेट्रोल प्लस CNG है, डीजल है, तो भाई देखते हैं कि कौन सी जीतेगी। मेरे हिसाब से तो स्विफ्ट जीतेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। भाई 3 राउंड होंगे, और 3 राउंड में जो भी बेस्ट होगा, नहीं 3 राउंड में जो भी 2 बेस्ट होंगे वो जीतेगा। और भाई दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये नहीं कि कोई, तो दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव है। बाकी हम रेस करते हैं अभी, तो खैर थोड़ा गाड़ी वाड़ी आ रही है, जब थोड़ा खाली होगा तब करेंगे। बाकी 3 राउंड होंगे, जो जीतेगा वो विनर है। तो भाई करें स्टार्ट। पेट्रोल CNG किस पे है? CNG, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक को आ जाने दे, बाइक आ रही है सामने, उसके बाद करते हैं। और दूसरे खंबे के बाद जो पेड़ है ना, वहीं से रुक जाइयो, क्योंकि उसके बाद तो ऊंची पटरिया का भी पार ही जाए। और सुन, 3 हॉर्न पे शीशा फिर भी वही रखिए थोड़ा सा, बाइक वाले को जाने दे। तो भाई अभी हमने सोचा है कि इस ट्रैक को चेंज करके दूसरे ट्रैक पे जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे आ रही गाड़ी, गाड़ी सामने दिख रही होगी आपको, ये देखो फोकस नहीं ले रखा, ये ले ली। देखो भाई अब गाड़ी भी आ रही थी, अब साथ में गौ माता भी आ रही है। तो भाई वही है कि इस पे तो भाई रेस करना रिस्क से खाली नहीं है, क्योंकि खुद देख लो आप कैसे गाय वगैरह आ रही हैं। तो अभी तो ये आ रही है, फिर गाड़ी गाड़ी आ रही है, हर सेकंड में गाड़ी आ रही है। अब हम रेस कर रहे हैं, सामने से गाड़ी आ गई तो फिर वही है कि रिस्क वाली बात है। तो हम कर रहे हैं ट्रैक को चेंज, सामने जो फ्लैट है उस साइड जा रहे हैं, वहाँ पे खाली रोड होगी, वहाँ पे करेंगे 3 राउंड। 3 राउंड करने, 3 राउंड टाइम कितना लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि एक उधर से फिर इधर साइड जाना, फिर उससे वापस आना, फिर इधर जाना, तो 3 राउंड हो जाएंगे। फिर देखते हैं उधर भी ट्रैक खाली मिलेगा तो भाई मिल जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि यहाँ तो भाई गाड़ी गाड़ी आ रही है, क्या ही बताएं। चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको दूसरा ट्रैक। तो भाई फाइनली एक ट्रैक और मिला है, बट ये थोड़ा धूलमदाल भी छोड़ो, पत्थर वत्थर पड़े हैं रोड पे, तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। देखो ऐसा ट्रैक है ये, वो सही था बट वहाँ वो रखा था ट्रैफिक। यहाँ भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी हो जाएगी सामने तक। तो हाँ वो तो समझ गया, मैं सो रहा थोड़ी पीछे ले ले, थोड़ी पीछे, एक उधर से हो जाएगी, इधर से आए देख लो थोड़ा ट्रैक आपको वहां तक है। 100 मीटर तो नहीं होगा, थोड़ा मतलब होगा ठीक 100 मीटर से भी थोड़ा कम भी हो सकता है, कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। आगे थोड़ा पीछे, हाँ इधर ले लेता हूँ, क्योंकि इधर भाई देख लो पीछे रोड़ी वोड़ी पड़ी है। बतेरा है रेस के लिए, ब्रो रेस के लिए तो बहुत है, रेस के लिए तो काफी है। चल पीछे ले लेते हैं थोड़ा और, बस आ जा, इतना ही बहुत है, देख लो काफी हो गया। तीन हॉर्न पे स्टार्ट कर दियो, 2 3। भाई ऑब्वियसली स्विफ्ट आगे और काफी पीछे छोड़ दिया है, खुद देख लो। तो भाई स्विफ्ट जो है पहले राउंड के विनर है, क्योंकि ऑब्वियसली लगा था भाई जस्ट तो कॉल सॉरी वीडियो कट करनी पड़ गई। तो भाई अभी उससे पूछते हैं भाई कौन जीता है। भाई तुम ही जीते हो। क्यों भाई? अबे पेट्रोल में कर लेना इसे, भाई इस सड़क पे कर लेते मुझे वही लग रहा है कभी हो रही है।
उधर से घुमा के लाए साइड से कर ले इधर कोई नहीं इधर ही ठीक है इधर खाली है सही है। हाँ तो भाई इधर से हम इसलिए नहीं कर रहे सामने आपको खंबा दिख रहा होगा कभी जीतने के चक्कर में कोई एक आधी गाड़ी खंबे में घुस जाए और वीडियो की सारी रेस वीडियो कभी एक्सीडेंट वीडियो बदल जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी क्योंकि दोनों ही मारुति हैं और मारुति पे भरोसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी। एक बार को i20 वगैरह वो तीन पे भरोसा कर लेता बट स्विफ्ट उन पे मारुति की गाड़ी पे भरोसा नहीं है भाई। ये सिर्फ भागने के लिए है वो भी स्विफ्ट का क्योंकि ये वेट हल्की रहती है इसलिए भाई वरना मैं ऐसे भरोसा कभी ना करूँ। चलो भाई सेकंड राउंड करते हैं। यहाँ थोड़ा ट्रैक टूटा हुआ है उस साइड का फिर भी ठीक है तो कर लेते हैं एक और राउंड और यहाँ से मोड़ लेते हैं गाड़ी को और इधर से जाते हैं उधर की तरफ। चलो भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से ट्रैक ठीक है और काफ़ी दूर भी है तो रेस अच्छे से हो जाती है यहाँ से। भाई सेकंड राउंड है ठीक है सेकंड राउंड है और दोनों का एक साथ ही लॉन्च हुआ था। भाई दोनों एक साथ लॉन्च ही हैं और इस बार अल्टो टक्कर दे रही है बट स्विफ्ट तो रॉकेट है। भाई स्विफ्ट तो रॉकेट है आपको पता ही है जैसे तो स्विफ्ट है भाई। दूसरा राउंड भी भाई पर इस बार अल्टो ने टक्कर दी है भाई पीछे थी बिल्कुल भाई इस बार टक्कर दी है पेट्रोल पे चढ़ गई ना इसलिए क्लोज था भाई। अल्टो ने इस बार टक्कर दिया है बिल्कुल पीछे वाले टायर पे थी बट ये कि डीजल का और टॉर्क का फर्क है तो स्विफ्ट आगे निकल जाती है वरना अगर स्विफ्ट पेट्रोल हो तो हरा सकती है अल्टो। अल्टो हरा सकती है स्विफ्ट पेट्रोल हो तो डीजल नहीं हरा सकती पेट्रोल मतलब अल्टो पेट्रोल डीजल नहीं हरा सकती स्विफ्ट पेट्रोल को हरा सकती है एक बार को मुझे पता नहीं बाकी हमारी बाइक ही है स्विफ्ट पेट्रोल उससे करके देखूंगा इसकी अगर हार गई तो भाई अल्टो वैसे भी नया मॉडल है तो भाई काफ़ी चेंजेस करे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस तो आएगा ही भाई। तो भैया भाई अब करेंगे लास्ट राउंड ये होगा हमारा लास्ट राउंड। अब दो राउंड जो है स्विफ्ट जीत चुकी है अगर लास्ट स्विफ्ट जीत जाती है तो भाई स्विफ्ट तीन जीत गई बाकी अल्टो तो जीत गई तो भाई एक राउंड अल्टो जीती बाकी बेस्ट टू तो स्विफ्ट जीत चुकी है एक तरीके से। अब स्विफ्ट हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी भाई ट्रैक उधर का काफी सही है काफी धूप भी है भाई गर्मी है एसी चला रखा मैंने तो एक पे अब क्या सोचो कि एसी बंद कर रखा है बाकी एक राउंड अब उधर की तरफ करेंगे जाते हुए और पूरा राउंड खत्म हो जाएगा और फिर वीडियो को कर देंगे एंड। अब लास्ट राउंड करते हैं अब करेंगे उधर की तरफ उस साइड वाले ट्रैक पे करेंगे वो ट्रैक भी ठीक है इस ट्रैक पे तो हमने दो राउंड कर लिए अब ट्रैक चेंज कर लेते हैं बाकी ड्राइवर चेंज करने की जरूरत नहीं भाई ऑब्वियस सी बात है वो भी चलाएगा तो यही जीतेगी क्योंकि भाई डीजल है पेट्रोल होती तो फिर भी एक बार को कह रहे थे कि ड्राइवर चेंज कर लेते बट ये डीजल है तो भाई डीजल तो डीजल है डीजल कोई सी भी गाड़ी हो वो तो जीतनी ही जीतनी है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वहां तक कर लेते हैं जहां तक वो अंकल बैठे हैं उसके बाद वहां से निकल जाएंगे यहाँ से। ब्रो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और जो अंकल बैठे हैं वहां तक खत्म कर देंगे उसके बाद घर निकल जाएंगे डायरेक्ट वही है भाई तीन उस पे हाँ भाई अंकल पे चढ़ जाएगा दी मैं बताऊँ कहाँ स्लो करियो ये जो अंकल थे पहले झाड़ी सी है ना ये स्लो करने चालू कर देंगे एसी तो मेरा भी चल रहा है हाँ एसी बंद कर ले देख लो एसी बंद है तेरा भी बंद है ठीक है। भाई अल्टो इस बार आ गया क्योंकि मेरा लॉन्च धीरे था भाई तो भाई अल्टो इस बार विनर है वो भी इसलिए क्योंकि मेरा लॉन्च धीरे था इस वजह से भाई। तो भाई जो इनिशियल है ना वो उसका अच्छा है मतलब इसका अच्छा है उसका इनिशियल अच्छा है पर इतना नहीं इतना इसका है बट वो इनिशियल के बाद जब भगती है तो वो हाथ नहीं आ रही पेट्रोल में सीएनजी में पहला जो राउंड हुआ था ना वो सीएनजी में था दूसरा पेट्रोल में था पेट्रोल में भी जीत गई बट अब के जो मेरा लॉन्च था ना लॉन्च जीरो था तो उस लॉन्च में वो पहले चला गया बट
वो फिर हाथ नहीं आएगी। ऐसा होता है ना कि जैसे लॉन्च पहले वो हो गई बट वो फिर पीछे रह जाती, बट वो लॉन्च होने के बाद हाथ नहीं आई, मतलब कुछ तो बात है। ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो उसको ऐसे नहीं कहते भाई, बहुत तगड़ी भगी और बहुत काफी लुक भी चेंज कर दिया पीछे से देखो। पहले तो मुझे अजीब सी लगती थी बट अब काफी प्यारी लग रही है और कुछ भाई ने करा भी रखी है। तो भाई दो राउंड में सिर्फ विनर है और थर्ड राउंड में वो विनर है। तो भाई वही बात है कि अब देखते हैं कि स्विफ्ट की किसी और से रेस कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ उसकी पेट्रोल से रेस करा दूँ, स्विफ्ट पेट्रोल से, लेकिन हार जाएगी ऑब्वियसली बात है पेट्रोल तो, क्योंकि पेट्रोल में कहाँ इतना वो है। तो मैं या तो इसकी स्विफ्ट पेट्रोल से रेस कराऊंगा वरना बलेनो डीजल से कराऊंगा। सोच रहा हूँ बलेनो डीजल से इसकी रेस करा दूँ क्योंकि दोनों ही डीजल हैं और दोनों ही मारुति के, दोनों ही सेगमेंट की गाड़ी है तो चल जाएगी पता, वरना लोग कहेंगे कि स्विफ्ट की डीजल की तुम पेट्रोल से करा रहे हो ये सब वो सब। तो भाई मैं सोच रहा हूँ डीजल करा दूँ ताकि चल जाए पता कि दोनों मारुति के दोनों सेम सेगमेंट और डीजल, बस फर्क इतना है वो ये स्विफ्ट है बलेनो है वो, बल्कि 2018 ये 2000 आपकी 14 है तो 4 साल का फर्क है, बाकी जब देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। टिल देन बाय बाय।